हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। 3 नवंबर की 2 SME IPO की लिस्टिंग हो चुकी है। सांथला FMCG प्रोडक्ट और दूसरा है पारागोन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। इन दोनों की लिस्टिंग फ्राइडे को हो चुकी है 3 नवंबर की, और बहुत ही शानदार की लिस्टिंग हुई है पारागोन IPO की। इसकी तो GMP बहुत ही ज़्यादा थी, 105% की बेनिफिट दे रही थी। जिस देखेंगे इसकी GMP 105 रुपये पर स्थिर हो गई थी, लेकिन इसकी लिस्टिंग और भी अच्छा हुआ है। 125 की इसकी लिस्टिंग हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त की 125% का मुनाफा, बहुत ही शानदार का। जिनको अलॉटमेंट मिला होगा बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और दूसरा सांथला की, जिसकी GMP की ओपनिंग भी नहीं हुई थी, बिल्कुल ही फ्लैट थी, 0% का बेनिफिट दे रही थी। यहाँ पर देखेंगे 3 नवंबर को भी इसकी GMP 0 रुपया ही थी, लेकिन फिर भी इसकी लिस्टिंग बहुत ही अच्छा हुई है। 17.5% की प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे पैरागोन IPO की जो लिस्टिंग हुई है 225 पर हुई है, मतलब कि इसका जो कट ऑफ प्राइस था 100 रुपये की, और 225 पर इसकी लिस्टिंग हुई, इसका मतलब है कि पर शेयर 125 रुपये की प्रॉफिट हुई है। बहुत ही शानदार 125% का रिटर्न्स दिया है। जिसको अलॉटमेंट मिला होगा माला माल हो गया होगा, बहुत ही शानदार। इस तरीके से IPO की लिस्टिंग होती है, कभी कभी देखने के लिए मिलती है, बाई चांस किसी IPO की लिस्टिंग होती है। बहुत ही शानदार का लिस्टिंग गेन मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त का। जो लंबे समय के लिए इसे होल्ड करना चाहते होंगे, इन्वेस्टमेंट के व्यू से इस IPO में अप्लाई किए होंगे, तो उनका अभी ये माइंड में चल रहा होगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार यहाँ पर बेनिफिट्स मिल चुके हैं। जो लिस्टिंग गेन के लिए IPO लगाते हैं उन्हें तो बहुत ही बेहतर पैसा मिल चुका है, लेकिन जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके मन में सवाल होगा कि हमें अभी इसमें कहाँ पर रिस्क रखना चाहिए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके हमें वेट करना चाहिए। तो ये 125% का बेनिफिट दिया था, और इसमें थोड़ा सा गिरावट भी देखने के लिए मिला, और 214 के समथिंग इसमें लगभग इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अभी इसमें एक अच्छा बेनिफिट मिल चुका है, तो लोग यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, या बहुत से लोग हैं जो लिस्टिंग गेन के लिए ही पैसा लगाते हैं तो फुल क्वांटिटी भी आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक गिरावट का सेंटिमेंट आने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसका स्टॉप लॉस जो लेकर के जाने वाले हैं, 205 पे इसका स्टॉप लॉस लेकर के जाने वाले हैं। जो अभी जिनका अलॉटमेंट जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल चुका है, लेकिन जो इसे लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है कि 205 पे स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पर होल्ड करें, या फिर 201 परफेक्ट लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है, 200 के पास में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएं। 125% की बेनिफिट्स मिली है, लगभग यहाँ पर हम लोग 25% का रिस्क और लेंगे, 25% के नीचे जाकर के हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 200 के पास में। तो यहाँ पर अगर 200 को टच करती है तो हम लोग को यहाँ पर अपना पोजिशन छोड़ देना है, अगर नहीं टच करती है तो फिर हम लोग यहाँ पर इस ट्रेड में बने रहेंगे, या फिर हम लोग यहाँ इसी पॉइंट पर अगर जो लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए यहाँ पर बैठे थे उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल चुका था 125% का, तो यहाँ पर चाहिए कि हाफ क्वांटिटी आउट कर ले, हाफ क्वांटिटी यहाँ पर वेट करें, और स्टॉप लॉस 200 के पास में होना चाहिए। लेकिन जो अभी आउट नहीं किए हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर क्वांटिटी वेट करें लंबे समय के लिए, उनके लिए बेहतर है कि मंडे के दिन में मार्केट जिस प्राइस पर भी ओपन हो वहाँ पर हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट कैप्चर कर ले, और हाफ क्वांटिटी को 200 जितना भी शेष बचती है, हाफ 50% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस 200 के पास में लगाकर वेट करें, और 50% क्वांटिटी जिस प्राइस पर भी ओपन हो जाए वहां पर प्रॉफिट बुक करके मंडे के सेशन में आउट हो जाए। 50% क्वांटिटी 200 के पास में स्टॉप लॉस लगा करके वेट करें। नेक्स्ट यहां पर इसकी लिस्टिंग हुई थी फ्राइडे के सेशन में, सांथला FMCG प्रोडक्ट IPO की, जिसकी लिस्टिंग जिसका प्रीमियम ओपन ही नहीं हुआ था, लेकिन कट ऑफ प्राइस था 91 रुपये, लेकिन इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छा मिला, 107-108 के समथिंग यहाँ पर लिस्टिंग मिला है, तो लगभग 16-17-18% का लिस्टिंग गेन मिला है, बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन है। अभी लोगों के मन में इस सवाल होगा कि अभी हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो लंबे समय के लिए यहाँ पर IPO में अप्लाई किए होंगे, जो लिस्टिंग गेन करके आउट होना चाहते हैं वो तो आउट हो चुके हैं, लेकिन जो लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर लगभग 17-17.5% का बेनिफिट दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 10% नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 197 के आसपास में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। 197 परफेक्टेबल है, 197 के नीचे जाती है तो फिर हम लोग को अपना पोजिशन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ से मे बी किसी भी पॉइंट से 100 पॉइंट्स एक साइकोलॉजी लेवल है तो 100 पॉइंट्स के
हंड्रेड के लेवल के पास से यहाँ पे एक प्राइस सेक्शन बना करके अपर साइड भी निकल सकती है या फिर डायरेक्ट कल गैप अप ओपनिंग होकर के अपर निकलेगी या फिर हंड्रेड के आसपास में ओपन होकर के मे बी ये अपर साइड में निकल सकती है। तो 97 का स्टॉप लॉस लगा करके इसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। कल के सा आईपीओ की लिस्टिंग डेट है यहाँ पर, इसकी लिस्टिंग डेट देखें, लिस्टिंग डेट चेंज हो गई है। इसमें अलॉटमेंट ही और रिफंडेड ही 6-7 के थे लेकिन इसकी लिस्टिंग डेट चेंज हो गई है। अब इसकी लिस्टिंग 6 नवंबर को मंडे को होगी। तो अभी इसमें कहाँ पे हमें लिस्टिंग गेन मिल सकती है, कितनी इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी 6 रुपये पर ट्रेड करी है। अनलिस्टेड मार्केट में 1 रुपये पर ट्रेड करी है, 13.13% का यहाँ पर बेनिफिट दे रही है। इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत कुछ खास नहीं मिला है, लगभग 13.58 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन मिला है यहाँ पर देखेंगे। और ये कंपनी बहुत बड़ी, ये आईपीओ बहुत बड़ा कुछ बिजनेस व्यापार था नहीं, लेकिन हाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी ओपन किया था और इसको धीरे धीरे ग्रो करके एक हॉस्पिटल का प्रारूप दिया और बेनिफिट बहुत ही अच्छा जनरेट करती है। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन 1 ईयर का ही फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया गया था 2023 का, तो इसमें लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही है, सब्सक्रिप्शन अच्छा गया है। अभी भी इसकी जीएमपी 13.something प्रॉफिट दे रही है। तो इसकी लिस्टिंग का क्या हम लोग लगा सकते हैं कि 10% प्रीमियम से लेकर के 10% का प्रीमियम से लेकर के लगभग 17% के प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो इसकी जो लिस्टिंग का प्राइस होगा वो लगभग, इसकी लिस्टिंग का जो प्राइस रेंज है वो लगभग 50 से लेकर के 58-59 के बीच में हो सकती है। लगभग 10% से लेकर के 10-15% या 17% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है जिसका लिस्टिंग 6 नवंबर को होने वाली है, वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग 6 नवंबर को होने वाली है। इसकी भी डेट यहाँ पर चेंज हो चुकी है, देखेंगे लिस्टिंग डेट मंडे को 6 नवंबर को होने वाली है, तो इसकी भी लिस्टिंग डेट चेंज हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसकी लिस्टिंग कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका देखें तो इसकी जीएमपी बहुत ही अच्छा ओपन हुआ था, लगभग 40 के आसपास इसकी जीएमपी ओपन हुआ था और 37.4% का बेनिफिट दे रही थी, लेकिन इसकी जीएमपी में लगातार कटौती देखने के लिए मिला, लगातार गिरावट देखने के लिए मिला और अभी ये 0 रुपये पर ट्रेड कर रही है। 5 नवंबर की इसकी जीएमपी की अपडेट है 0 रुपये, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में ये 108 पर ही ट्रेड कर रही है, जो इसका कट ऑफ प्राइस था बिल्कुल ही 0 रुपया इसका जीएमपी हो चुका है। तो 0% की इसकी इसको अपने निवेशकों को बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं दे रही है। 108 पर इसकी इसकी अभी अनलिस्टेड मार्केट में 108 पर ही ट्रेड कर रही है। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें, सब्सक्रिप्शन स्टेटस ठीक ठाक ही गया था, यहाँ पर 18.57 के समथिंग इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिख रही है। रिटेल कैटेगरी 25.51 टाइम्स और अदर में 11.60 टाइम का सब्सक्रिप्शन हुआ था। टोटल सब्सक्रिप्शन 18.57 टाइम्स का हुआ था सब्सक्रिप्शन। इसका जो बिजनेस है मूल रूप से बन का बन लगाना है, बन का वृद्धि विकास करना है, उसका देखभाल करना है, मूल रूप से प्लांटेशन का ही काम करता है। तो इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं है, ठीक है मीडियम है, लेकिन जिस तरीके के आईपीओ के फाइनेंशियल रिपोर्ट होने चाहिए उस तरीके से नहीं है। तो इसमें लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा और इसके वजह से इसकी जीएमपी में अचानक गिरावट देखने के लिए मिला। इसकी जीएमपी की ओपनिंग ठीक ठाक हुई थी, लगभग 37% के बेनिफिट दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जीएमपी में गिरावट होते गए 0 रुपये पर ट्रेड करिए, तो ये बड़ी निगेटिव पॉइंट हो गई है अभी निवेशकों के लिए। तो मे बी इसकी लिस्टिंग जो निगेटिव हो सकती है या फिर 2-4% के प्रीमियम पर भी इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो हम लोग इसकी लिस्टिंग का जो क्यास लगा सकते हैं 103 से लेकर के 112 या 113 के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मे बी 112-113 के बीच में, 103 से लेकर के 112 के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मे बी कन्फर्मेशन नहीं है, हो सकती है यहाँ पर 4-5% का लॉस देकर के इसकी लिस्टिंग हो या फिर 4-5% का प्रॉफिट देकर के इसकी लिस्टिंग हो, इसी बीच में इसकी लिस्टिंग होने का चांस है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।